कालेश्वर मंदिर में अंदर फोटोज खींचना मना है ऐसा मुझे पता नहीं था, क्योंकि अंदर ना मराठी में लिखा हुआ था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, मुझे बस हिंदी बनती है। बाद में थोड़ा मोर ओम ने इन्होंने एक पेपर पे पढ़ा फोटो एंड अच्छी ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मराठी समझ में ही नहीं आती, तो बाद में उसे ध्यान से समझा तो पता चला कि अंदर फोटो खींचना ये सब मना है। अच्छा था मंदिर, बहुत पुराना है, पंडित जी ने बोला है वहाँ के हजारों साल पुराना है। अब कितना पुराना ये तो किसी को पता नहीं है, बस पुराना है। ये था हमारा आज का चौथा एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट, देखो अब पांचवा कौन सा होता है। और ओम हो गया तुम्हारा, देख कैसा भागा मोर, देख दाजे ना पैर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते खम्बू गली से। ये बड़ा प्यारा सा बच्चा है, कहाँ चलना है अब जल्दी बता दो, टाइम ज़्यादा नहीं अपने पास, 3:30 बज चुके हैं। कौन सा स्पॉट है छोटा, सहस्त्रकुंड चलना है क्या? सिटी से आउट में, पर वो 90 कितना किलोमीटर है, कितना 103, और अपना ईसापुर डैम 80 के रास्ते पे भी 103, दोनों सेम ही है क्या रास्ते में? और गोवा का रास्ता कौन सा है बता देना मुझे, उसी रास्ते पर ही है क्या? क्योंकि यहाँ से गोवा की डिस्टेंस देखना और बाद में ना, हाँ यहाँ से गोवा की डिस्टेंस देखना और यहाँ से ईसापुर डैम की डिस्टेंस देखना और बाद में यहाँ से वहाँ की वो ईसापुर से वहाँ की वो देखना, और सब माइनस प्लस करना तो आंसर मिल जाएगा। समझे? कोई आप सब में पहले से सब्सक्राइब है यार, पहले से सब्सक्राइब। मोबाइल किसका है? मेरा सब्सक्राइब किया वाला है। अरे वो सब टी शर्ट क्या जानते हो बारे से मुझे? मैंने मेरे को एक अच्छा वीडियो दिखा फिर मैंने सब्सक्राइब किया। हां प्रैंक है ना, अरे यार नाम क्या है? ये हमारी नई आईडी है यूट्यूब, हम वैसे दूसरा यूट्यूब चैनल था हमारा मेन जिसमें अच्छे खासे फॉलोअर थे, पर वो आईडी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, कुछ दिक्कत आ गई इसमें तो हटा दिए, नई आईडी स्टार्ट की हमने। टिकटॉक चलाता था कोई तुम में से? चलाते थे। कोई कौन चलाता था? 3 मिलियन फॉलोवर थे वहाँ पे हमारे, इंस्टा पर 1-1.5 लाख होंगे, 1.5 लाख यहाँ के घूमने आना हुआ है क्या? ऐसे जाए पानी का सफर तो नहीं दे रहे, यहाँ बाहर पढ़ने वढ़ने आए हो क्या? नांदेड़ में पढ़ते वढ़ते हो क्या? पढ़ते हैं हम, यहाँ पे तैरने वहाँ के अच्छा, क्या यहाँ 12th पढ़ने आए हो क्या? 12th कौन सा सब्जेक्ट है? कोचिंग करने आए हो यहाँ पे? JEE या नीट? आपके आगे हमारे मतलब सर है हमको पढ़ाने के, बहुत सर आपके आगे, नीट की तैयारी करने आए हो यहाँ पे? क्या बायो MBBS लेना है क्या बाद में, या BDS या वेटनरी? वो लगने की बात है, सब पैसे वाले हो का पैसा नहीं है, कैसे कैसे करके थी। अभी तो कहा लिए जब MBBS में पता नहीं है तुम्हें पैसे चाहिए? मार्क है तो फिर कई पैसे मार्क अगर पैसे पैसे किसने बोला पैसे नहीं देने? MBBS में गवर्नमेंट भी महंगा होता है,
ऐसा हो ना 20-30 लाख रुपए खर्चा आ जाए तो भी नॉर्मली सबसे सस्ता 20-30 लाख होना है, वो प्राइवेट तो 1-1.5 करोड़ रुपए होना है। 1.5 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और जिसमें भी फ्यूचर में ऐसा नहीं है तुम्हें जॉब मिलने वाली है, तुम्हें खुद ही अपना हॉस्पिटल डालना, तुम्हें खुद ही करना है। ठीक है, 12th में जब अभी 12th में हो गया तुम, इस साल आए हो ना, तो अभी तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, साइंस मैथमेटिक्स भी तो ले सकते हो तुम। जनरल साइंस वो साइंस में दोनों भी दे सकते, अगर अपना बायो भी हुए ना दोनों भी दे सकते, जेडब्ल्यू भी दे सकते। हाँ तो है तुम्हारा दोनों दोनों है तो अच्छी बात है, साइंस मैथ में जाके बीटेक के इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर कुछ भी बन जाता है, चाय बेचने वाले से लेके एमबीए चाय वाला वो तो अमीर है, वो अमूली बात तो नहीं, बिजनेस आइडिया है वो। देखो यार एमबीबीएस करोगे ना तो ओनली डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तो मजबूरी हो जाएगी, और यदि जेडब्ल्यू करोगे ना कुछ भी बन जाओगे। सस्ती सुंदर पढ़ाई है जेडब्ल्यू की, ज़्यादा महंगा नहीं है इंजीनियरिंग हिंदुस्तान में, कॉलेजेस मिल जाते हैं। दो टाइप के सीट्स होती है, एक होती है TFW और दूसरी होती है नॉर्मल सीट्स। नॉर्मल सीट्स पे पैसा लगता है और TFW सीट फ्री वाली सीट होती है, हर कॉलेज में दो सीट होती है, हर ब्रांच में 60 सीट होती है, मान लो किसी ब्रांच में उसमें 2 सीट फ्री होती है। अगर नीट में आउट ऑफ भी लिए तो भी पैसे लगते यार, जितना मुझे नॉलेज है ना, सच बताऊं मैं कंफ्यूज तो थोड़ा सा मैं भी हूँ, पर जितना मुझे पता ना गवर्नमेंट में भी जाओगे तो वहाँ भी पैसा तो लगेगा, मशीनें जो होती ना वो मशीनें बहुत महंगी आती है। अच्छा तुम सोच के बताओ, तुम ला सकते हो क्या इंडिया में top 10 top 1 top 500 top 1000 आ सकते हो क्या? 550 बस, हमारी कैटेगरी ओपन है। जनरल है क्या? जनरल अपनों ने लूटा नहीं, हमें तो सबने लूटा, सबने लूटा, इतना लूटा, कितना लूटा, कैसे लूटा, क्या होता है। ठीक है चलो मजे लो यार, ठीक है घूमो फिरो खाओ पियो मजे, और ये रहते हो क्या आसपास? इसी नहीं नांदेड़ी की बात कर रहे हैं, अब जा रहे हैं नांदेड़ी तो है, अलग ही नांदेड़ से बाहर आ गए अभी हम, हमें पता तक नहीं चलता, हमारे मैप चलते हैं, हम चलते चलते जाते हैं। अभी यहाँ से है ना, कौन से एडवेंचर पे जा रहे हैं अपन अभी यहाँ से? सिलेक्ट नहीं हुआ अभी तक, कौन सा वो ईसापुर डैम और सहस्त्रकुंड अभी ड्रॉप है, गोवा से आते टाइम निपटा देंगे, पता चला फंडिंग कम पड़ गई गोवा में तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, फंडिंग कम नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है हाँ हम घूमते रहते, तुम बोलो तो वही पलटन ले चलो इतिहास बनाने वालों को आगे बढ़ना पड़ता है, हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, रीजन नहीं देते इतिहास बनाने वाले, कितने बड़े हैं बस खाली। हर बच्चे की यही कहानी है, ऐसा नहीं तुम्हारी कहानी, हर बच्चे की कहानी वही है, बच्चा भी कुछ करना चाहता है उसका अलग है ना, तुम ट्राई तो करो, तुम साबित तो करो, घर वालों की सोच वक्त वक्त पे बदलती रहती है, तुम्हारा वक्त अच्छा हुआ वो बदल जाएंगे, बहुत बड़े दल बदलू होते हैं अपने परिवार वाले, पता इतने बदलू चंतु मैंने जिंदगी में नहीं देखे बोले होता ना तुमने कुछ उखाड़ लिया तो बोल देंगे अरे तो मेरा बेटा है तो कुछ भी कर सकता, कुछ नहीं उखाड़ पाया अभी तुझे पहले बोला था पढ़ लेता ये सच्चाई है। ठीक है और सच बताऊँ ना तो तुमने आज अपने आप को नहीं बता रहा उनके सामने कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ फ्यूचर में पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी है और उन सबने अपने उस ऐसा नहीं अपने फैमिली वालों ने कांड नहीं किया अपने जमाने, वो सब कांडू है, सबने कांड किए हैं, ये सच है। यदि मेरे मम्मी पापा फ्रेंडली होते तो मैं बात करता हूँ उससे, जनरली सब ओपनली बात होती कि आपने क्या किया उस जमाने, हमने भी बहुत बाजार घूमे, इधर घूमे उधर घूमे, सब सामने आता। अब क्या बहुत सारे बच्चे डरते बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप से, बात तो छोड़ो वो पढ़ाई पढ़ाई में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। और अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप तुम सब? पैसे कमाने के लिए, पहले 17 में 12th हो गए, 17 से पहले बहुत पैसे उड़ा चुके हो, 17 के बाद कॉलेज लोगे, कॉलेज में पैसा उड़ाओगे, बाद में जॉब के लिए पागल हो जाओगे, जॉब नहीं मिली तो भी पागल, जॉब मिल गई तो जॉब से क्या करोगे, पैसे कमाओगे, मतलब मकसद क्या है मैं पैसे कमाना, पैसे से क्या करोगे ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाओगे और क्या करोगे घूमोगे, मतलब इनडायरेक्टली तुम घूमने के लिए पैसे कमा रहे हो, घूम के पैसे कमा रहे हो। अभी जो तुम इतना टाइम जाया कर रहे हो ना, इस टाइम के बीच में तुम्हें कुछ भी हो सकता है ना, सोच के देखो लाइफ का भरोसा है क्या है? मतलब मर गए, मर गए आज, मर गए कल,
क्या भरोसा, ये सच है, तुम मानोगे तब तक नहीं जब तक तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हो जाता, और हादसा भी हो गया ना तो हादसा होने के 10 दिन तक मानोगे, वापस भूल भुला जाओगे तुम। थोड़ा सोच के देखो यार, मुझे पता है कि मैं आज से 3 साल पहले तुम्हारी उम्र में था, तो मेरी मेंटलिटी समझ नहीं पाओगे जितना मुझे पता है, पर जब समझ में आएगी तब तक लेट हो जाओगे। ट्राई तो करता रहा हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा, कितना घूम चुके हैं यार हम पूरे अपन 21 बहुत ज़्यादा है उम्र, कॉलेज में ही है, साथ में ही है, अभी पढ़ते फाइनल ईयर बीटेक, जॉब नहीं है, यही है सर, वीडियोस यही से पैसे कमाते हैं, पैसे कमाते हैं मतलब बहुत पैसा है यार। वो हंस कर रहा है, पता है तुम्हें, वो इसीलिए ऐसा रहा कि तुम पूछ रहे हो कि पैसा आता है क्या, क्योंकि हमें पता है ना क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ उतना नहीं, सच में आता है। अरे यार तुम्हें पता है यहाँ से गोवा के एडवेंचर में, जबलपुर से गोवा के एडवेंचर में हमारा कितना पेट्रोल जलने वाला है, ओनली पेट्रोल बताऊंगा मैं 16,000 रुपये का पेट्रोल जाने वाला है, 16,000, ठीक है, इन द 18 डेज 18 दिन, होटल रूम का भी होगा शायद, पता नहीं कितना होगा, कुछ आइडिया नहीं, घूमने में पैसे का लोड नहीं लेता ना, कंजूस थोड़ा मैं भी हूँ, पर हर जगह नहीं, लाइफ को जीने की बात है ना, तो नोटों को, ठीक है, तुम खुद ही समझो ना, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही ना, तुम पढ़ाई कर रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, 10th पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ गई, लास्ट में मतलब क्या तुम्हारा, पैसे कमाना, और पैसे कमा के क्या करना है, घूमना, और अभी इस उम्र में तुम्हें घूमना है ही नहीं, तो जब तुम्हारा घूमना मकसद है ही नहीं, जब तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम्हें पैसे कमाना है, और पैसे कमा के क्या करना है, खाना है क्या पैसे को, और अभी भी तुम्हारे माँ बाप के पास इतना पैसा तो होगा कि तुम्हें वो छूट दे सकते हैं यार, इतनी बुरी हालत में तो नहीं होंगे, तुम भी जानते हो यार, उनके बाप दादा ने बना बना के दिया है उन्हें। बहुत सारे ऐसे सच है जिनसे अपन वाकई में तभी उन सच को अपन ना अपना पा रहे, ना माँ बाप को समझा पा रहे। तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, इस दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान था ना, सबसे अमीर इंसान की बात कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स, नाम सुना तुमने, कौन था ये स्टीव जॉब्स, नहीं पता, आईफोन कंपनी का मालिक था ये स्टीव जॉब्स, इसी ने आईफोन को उस लेवल पर पहुँचाया था, नहीं सुना सच में तुमने नाम स्टीव जॉब्स, सुना है ना, एलोन मस्क अभी ट्विटर खरीदा इसलिए तुमने सुन लिया वो स्टीव जॉब्स जब 51 ईयर ओल्ड था ना, कैंसर से पीड़ित था, अभी 10-12 साल पहली बात, तो मर रहा था ना, उसने पता क्या बोला था, हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था वो, तो बोल रहा था कि मैं आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, पर तो भी मैं अपने किसी एम्प्लॉय को या दुनिया के किसी भी इंसान को कितना ही पैसा दो, मेरे बेड पर लेटा नहीं सकता मैं उसे, ठीक है, और उसने एक और बात बोली थी, मैंने पैसा तो कमा लिया और आईफोन कंपनी को भी दम्बर पहुंचा दिया दुनिया, और सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ, दुनिया देखी नहीं, वो दिन रात उसका ऑफिस ही ऑफिस में चला गया, क्या मतलब ऐसा पैसा कमाने का यार, इन्जॉय इज इम्पोर्टेंट यार, यार सोचो विदेशों से लोग अपना हिंदुस्तान घूमने आते हैं, अपन हिंदुस्तान में रह के आ रहे हैं, फालतू के फेसबुक पर शेयर ये वो ये, हम भी करते हैं थोड़ा बहुत वो चीज़ें, पर सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, जो सच है वो सच है, भाड़ में की दुनिया तेरी, अपने भी झूठे हैं तो मुँह पे बोलूँगा झूठे हो तुम, समझाऊँगा कि बदल लो थोड़ा सा, अपडेट हो जाओ, ठीक है, क्या डिसीजन होगा फाइनल, क्या सिद्धेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, यहीं से 13 किस साइड में पड़ेगा, और उसके अलावा कितने एडवेंचर स्पॉट और बच रहे हैं, लिस्ट देना मुझे, सिद्धेश्वर हो जाएगा, शिकारा वाटरफॉल कहाँ पर है, 70 के पास है, किस साइड, जलकोट मतलब क्या है, वो कंधार के आगे हुए उधर ही, कंधार के और आगे वहीं पे था, अभी अपन गोवा जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा क्या, पड़ेगा बस थोड़ा सा जाना पड़ेगा, बस 20 किलोमीटर और कटना पड़ेगा, हाँ तो ठीक है, कल गोवा निकलेंगे ना, कल तो निकलेंगे, कल सुबह निकल जाएंगे क्या, हाँ ठीक है, शाम में नहीं निकलेंगे, मैं पहले सोच रहा 3 बजे निकल जाएंगे, ठीक है, कल सुबह निकल जाएंगे गोवा के लिए, और रास्ते में अपन मुड़ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, सामान तो वैसे अपने पास ज़्यादा है नहीं, सर्दी वाला सामान है, नॉर्मल सामान है, ठीक है, तो पहले ये कल शिकारा जो वाटरफॉल है अपन, ये जो वाटरफॉल है शिकारा, ये अपन कल निपटा देते हैं, ठीक है, नांदेड़ फोर्ट अपना हो चुका है, ईसापुर डैम और सिद्धेश्वर टेम्पल भी निपटा देते हैं, और ईसापुर डैम अपन आते टाइम निपटा देंगे, सहस्त्रकुंड रहने देते, स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ का क्या हुआ, हाँ थोड़ा पानी है क्या तुम्हारे पास, थोड़ा पानी पिलाना है,
गर्म ही पड़ा इधर का इधर का जय नहीं नहीं मुझे गर्म पीता हूँ मैं ठंडा पानी नहीं पीता क्या क्या चीज स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ सबसे पहले ये निपटा देते हैं बाद में सिद्धेश्वर टेंपल चलते हैं ठीक है और गुरु गोविंद सिंह म्यूजियम तो हो गया अपना खानदार फोर्ट अपना हो चुका है रेणुका देवी मंदिर अपना रेणुका देवी मंदिर बंद था ठीक है रेणुका देवी मंदिर भी फिलहाल बंद चल रहा है तो रहने देते हैं आते टाइम उसे भी देख लेंगे ठीक है और हुजूर साहिब भी अपना हो गया ना तो फिलहाल अपन दो एडवेंचर कर लेते हैं।